हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमनु आईएएस। माई सेल्फ अंकुश शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ अभिमनु आईएएस। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ सिप्री ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज है, इंडिया वर्ल्ड में थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिप्री को कब एस्टेब्लिश किया गया था, सिप्री यूनाइटेड नेशन का पार्ट है या नहीं है, सिप्री गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर मेंस में आपसे डिफेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, देन आप अपने आंसर में सिप्री का डेटा यूज़ करेंगे एंड बताएंगे एग्जामिनर को, ये डेटा मैंने सिप्री की रिपोर्ट से लिया है। तो ये वर्क आपको करने होते हैं। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, हम आज के टॉपिक को थ्री पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में रिपोर्ट्स के की पॉइंट होंगे और हमारा मेन फोकस होगा इंडिया के ऊपर। सेकंड पार्ट में हम सिप्री को डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में इंडिया की इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स को देखेंगे। आपको याद रखना है, जो डिफेंस डील्स वाला पार्ट है ये रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी आज के टॉपिक की। ओके, देन आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप फाइव स्पेंडर्स ऑन मिलिट्री 2019 कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखेंगे यूएसए। यूएसए $732 बिलियन खर्चे के साथ जो उसने मिलिट्री के ऊपर किया है, ये नंबर वन पर है। आपको याद रखना है, एवरी ईयर यूएसए नंबर वन पर रहता है। सेकंड नंबर पर है चाइना, $261 बिलियन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर इंडिया, $71.1 बिलियन के साथ। रशिया है फोर्थ नंबर पर $65.1 बिलियन के साथ और सऊदी अरेबिया है $61.9 बिलियन खर्चे के साथ पांचवें नंबर पर। अब आपको याद रखना है, सऊदी अरेबिया जो लास्ट रिपोर्ट थी सिप्री की उसमें थर्ड नंबर पर था। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को रिप्लेस कर दिया और इंडिया थर्ड नंबर पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट आपको रखनी है, ऐसा पहली बार हुआ है कि एशिया के दो कंट्री, ओके, इंडिया एंड चाइना, ये टॉप थ्री में है। वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट का नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लास्ट ईयर मतलब 2019 में पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री पर जो खर्चा हुआ है वो हुआ है $1,917 बिलियन। जीडीपी वाइज अगर देखें, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी, तो उसका 2.2%, ठीक है, जीडीपी का 2.2% खर्चा मिलिट्री के ऊपर हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, जर्मनी ने 2018 में जो मिलिट्री पर खर्चा किया था, 2019 में उसने उसमें आपका इंक्रीज लिया है 10% का, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंक्रीज है। ओके, इतना बड़ा इंक्रीज किसी भी कंट्री ने नहीं लिया है। 10% इंक्रीज किया है जर्मनी में, जो उसने खर्चा किया था मिलिट्री के ऊपर 2018 में, उससे 10% ज़्यादा खर्चा किया है 2019 में। तो एब्सोल्यूट टर्म में अमेरिका, आप देखेंगे तो अमेरिका सबसे बड़ा स्पेंडर है 2019 में, बट अगर हम देखें इंक्रीज किसने किया, तो फिर आप याद रखेंगे जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए देखते हैं, इंडिया के जो पॉइंट्स इसमें दिए गए, तो इसमें बताया गया है कि यूएसए और चाइना के बाद इंडिया थर्ड नंबर पर आ गया। साथ में यह भी बता दिया गया कि इंडिया ने इतना खर्चा क्यों किया। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिकॉज ऑफ राइवलरी विद चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया ने अपनी मिलिट्री पर खर्चा बढ़ा दिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, 2018 में जो खर्चा इंडिया ने मिलिट्री के ऊपर किया था, ठीक है, उससे 2019 में जो इंक्रीज लिया, तो इंक्रीज कितना लिया, 6.8% का। नेक्स्ट रिपोर्ट ने इंडिया के बारे में बताया है कि 1990 से लेकर 2019 तक, 1990 से लेकर 2019 तक इंडिया ने एवरी ईयर इंक्रीज लिया, और ये उसमें बताया गया रिपोर्ट में कि 1990 से 2019 तक 259% इंक्रीज इंडिया ले चुका है। किस पर? मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर। ओके, अब इन्होंने 2010 से 2019 का डेटा भी बताया, उसमें बताया कि 37% इंक्रीज किया है डिफेंस पर इंडिया ने। अगर हम जीडीपी वाइज देखें, तो आपको पता है जैसे इंडिया की जीडीपी जो है एवरी ईयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब ये रिपोर्ट बताती है 2010 में इंडिया अपनी जीडीपी का 2.7% मिलिट्री पर खर्चा करता था, बट 2019 में
इंडिया ने अपनी जीडीपी का ओनली 2.4% जो है खर्चा मिलिट्री पर किया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, हम अपना खर्चा तो बढ़ा रहे हैं मिलिट्री के ऊपर, बट जीडीपी के अगर उससे रेशियो देखें जो हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो वो कम होता जा रहा है, और ये अच्छा ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी हमारा खर्चा भी बढ़ेगा, बट जीडीपी के रेशियो में, ठीक है, वो खर्चा कम होगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब बात करते हैं सिप्री की। सिप्री को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, और इसके लिए मेन वर्क किया था स्वीडन ने। ओके, तो स्वीडन इसको फंड देता है, तो मेन फंड जो फंडिंग जो इसकी होती है वो स्वीडन से होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको रखना है, ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ये वर्क करता है, रिसर्च करता है ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। इसका हेड क्वार्टर है सोलना, एक प्लेस है सोलना, SOLNA, और ये सोलना है स्वीडन में। प्रेजेंट में इसके सिप्री के डायरेक्टर हैं डैन स्मिथ, वेरी इंपॉर्टेंट आपको रखना है, इसके डायरेक्टर हैं आज की डेट में DAN डैन स्मिथ। लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं जो हमारी स्लाइड है उसका। ओके, फुल फॉर्म आपको बताइए इसकी, इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है सिप्री। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स जो अभी लेटेस्ट हमने की हुई हैं। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो फर्स्ट हम लेते हैं राफेल फाइटर जेट। राफेल फाइटर जेट जो एक 4+ जनरेशन फाइटर जेट है, ये डील हमने की है फ्रांस के साथ। ओके फ्रेंड्स, और आपको पता है कि इस डील को लेकर बहुत ज़्यादा इशू भी होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट देखिए MiG-29, ये भी एक फाइटर जेट है। MiG-29 हम अपनी नेवी के लिए खरीद रहे हैं रशिया से। ओके, नेक्स्ट देखिए P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है। ओके, ये एयरक्राफ्ट हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट हमने खरीदा है USA से। नेक्स्ट देखिए C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, ये भी हमने USA से लिया है। अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हमारी USA के साथ हुई है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हम अपनी नेवी के लिए USA से खरीद रहे हैं, और S-400 डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये हमने रशिया से इसकी डील की है। तो ये जो डील हुई है इसमें हमारा खर्चा भी बहुत हुआ है। ओके, तो आप देखेंगे हम थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर बन गए हैं वर्ल्ड में। ओके, क्या हमें इतना खर्चा मिलिट्री पर करना चाहिए? तो ये आपको सोचना है। ओके, कि हमें इतना खर्चा करना है या नहीं करना है। तो आप इस टाइप के अगर क्वेश्चन UPSC आपसे पूछता है तो आप उसमें यस और नो एकदम से नहीं बोलेंगे, आप उसमें डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ओके, होप आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। देन अभिमन्यु जो हमारी अभिपीडिया जो है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ओके, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।